कौरव राजवंश में शांतनु नाम के प्रतापी राजा हुए। शांतनु ने भगवती गंगा से विवाह किया था। कहा जाता है कि एक बार अष्टवसु नाम के 8 देवताओं से तंग आकर वशिष्ठ मुनि ने उन्हें शाप दिया कि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। परंतु 8 वसुओं की प्रार्थना पर मुनि ने कहा कि 7 वसुओं का तो जन्म लेते ही उद्धार हो जाएगा, पर सबसे उत्पाती वसु प्रभास को मृत्यु लोक में बहुत दिन तक रहना होगा। इन्हीं अष्ट वसुओं को शाप से मुक्त कराने के लिए भगवती गंगा ने उनकी मां बनना स्वीकार किया। शांतनु से विवाह करने पर गंगा को 8 पुत्र हुए। 7 को तो गंगा ने पैदा होते ही अपनी धारा में बहा दिया। 8वें पुत्र को शांतनु ने नहीं बहाने दिया। तब गंगा इस पुत्र को अपने साथ स्वर्ग ले गई तथा इसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन गंगा तट पर शांतनु ने देखा कि एक बालक ने अपने बाणों से गंगा के प्रवाह को रोक रखा है। तभी गंगा प्रकट हुई तथा शांतनु को बताया कि यह आपका पुत्र देवव्रत है। शांतनु ने इसी पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, परंतु नियति कुछ और ही चाहती थी, जिसने आगे चलकर भीष्म को राजा नहीं बनने दिया और उसी से कौरव और पांडव का युद्ध आरंभ हुआ। यह युद्ध जो धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच में लड़ा गया था तथा आगे चलकर धर्म का प्रतीक बन गया था।